अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में हम चैप्टर 3.4 की टाइप 1 कर रहे थे, जो था रेसिप्रोकल्स। इस वीडियो में हम टाइप 2 स्क्वायर्स करेंगे। स्क्वायर्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 7 से 9 तक के दरमियान में क्वेश्चन हमारे स्क्वायर्स के हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, स्क्वायर की पहचान क्या होती है? जो भी पावर होगी या जो भी सेकेंड वैल्यू होगी, अगली वैल्यू उसका डबल होगी। यानी 1/4 हमारे पास बराबर होता है 0.1/4 बराबर होता है 0.25 के, जबकि 1/2 बराबर होता है 0.5 के। ठीक है, तो इसमें एक वैल्यू जो है और अगली वैल्यू उसका डबल है, तो ये स्क्वायर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम ए का नाम दे देते हैं। इसमें y 1/4 हम सपोज कर लेते हैं x के बराबर, तो फिर ऑटोमेटिकली दूसरी वैल्यू जो है हमारी बराबर हो जाएगी y 1/2 x स्क्वायर के बराबर। ये x स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि ये जो 1/2 है 1/4 का डबल है। ठीक है, तो ये वैल्यू इक्वेशन a में पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 22 इज इक्वल टू 0। यहाँ हम फैक्टराइजेशन परफॉर्म कर देते हैं। फैक्टराइजेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 10x माइनस 22 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन ले लेते हैं x, तो हमारे पास क्या बचा? 5x प्लस 11, और यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं माइनस 2, तो फिर क्या बचा हमारे पास? 5x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये प्लस क्यों आया? माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 5x प्लस 1 हम दोबारा अगर कॉमन ले लें तो फिर हमारे पास क्या बचा? x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और जब भी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो और बराबर हो इक्वल टू के, तो हम लिखते हैं आइदर 5x प्लस 11 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पे एक x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 यहाँ के इधर आएगा तो माइनस 11 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लीकेशन में है, डिवीजन में आ जाएगा। इसी तरह x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो x की वैल्यू आ गई। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी? y 1/4 इज इक्वल टू x। ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें पहले करते हैं पुट x इज इक्वल टू माइनस 11/5 एक वैल्यू, और तो ये हो जाएगी माइनस 11 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू y 1/4। तो ये फर्दर इस 4 को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ पावर में 4 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगी हमारी इस तरह से 4 इज इक्वल टू y 1/4 और 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा? y बराबर आ जाएगा 1/4 6/4 1 डिवाइडेड बाय 6/25। ठीक है, तो एक y की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब दूसरी y की वैल्यू के लिए हम क्या पुट करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 इज इक्वल टू y 1/4। अब इसकी पावर ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ पावर में 4 ले लेते हैं, तो ये y 1/4 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 4 किसके बराबर होता है हमारे पास? 16 के। 16 इज इक्वल टू y। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 1
4641 डिवाइडेड बाय 625 एंड 16, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें इसका। इसमें हमारे पास एक पावर है x की 1/m, जबकि दूसरी पावर है 2/m, यानी छोटी पावर क्या है भाई, 1/m। ये हमारे पास बराबर हो जाएगी x 1/m y के बराबर आ जाएगा, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली y स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, x की पावर 2n। इक्वेशन 1 में ये दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन परफॉर्म करते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, y माइनस 2। यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा माइनस का, तो यहाँ क्या बचेगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस माइनस बाद में प्लस हो जाएगा। यहाँ से y माइनस 2 अगर कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और जैसे कि आपको पता है जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो बराबर हो 0 के, तो हम लिखते हैं आइदर y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू हमें पता जाएगी y इज इक्वल टू 2 और एक वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 3। इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, y इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x 1/m, y की जगह 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा x 1/, इसी तरह से जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में किया कि m ख़त्म करेंगे पावर में से, तो m से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों जगह पे, तो x 1/m m, m से m कैंसिल, x इज इक्वल टू 2 की पावर m, ठीक है। और एक दफ़ा हम y इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 हमारे पास है y इज इक्वल टू x 1/m, y की जगह हम लिखते हैं 3x 1/m, 3m x 1/m पावर में m, m से m कैंसिल, x इज इक्वल टू 3 की पावर m, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन सेट क्या आया, 2m एंड 3 की पावर m, ठीक है भाई। क्वेश्चन 1 देखते हैं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे हमने पहले दो सवाल करे ये इसको भी इसी तरह हम करेंगे। एक्स स्क्वायर और x की पावर 4, यानी हम y इज इक्वल टू ले लेते हैं एक्स स्क्वायर के, ये छोटी पावर है, ये क्वेश्चन 1 हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली y स्क्वायर क्या हो जाएगा, x की पावर 4, ठीक है। पुट कर देते हैं इक्वेशन ए में, तो हमारे पास क्या आएगा, 25y स्क्वायर माइनस 104y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फैक्टराइजेशन परफॉर्म कर देते हैं तो ये हो जाएगा 25y स्क्वायर माइनस 100y माइनस 4y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से कॉमन हमारे पास आ जाएगा 25y, बचा गया y माइनस 4, ठीक हो गया। यहाँ से कॉमन हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं माइनस का 1, ठीक हो गया, बल्कि माइनस का 4, ठीक हो गया। तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये माइनस माइनस बाद में प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर y माइनस 4 कॉमन आ गया तो बचा क्या, 25y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और इसी तरह हम दोबारा लिखेंगे आइदर y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 25y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। तो हमारे पास y की एक वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 4, ये माइनस का 4 इधर आके प्लस में हो जाएगा,
और ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस फोर इधर आके प्लस में हो जाएगा, 25y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 4 अपॉन 25। ठीक है, तो ये दो y की वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हम इनको इक्वेशन वन में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो पहले हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x, और 4 का रूट होता है 2, और जब भी रूट से रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लाजमी लगाते हैं, तो ये एक वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस माइनस 2। अब पुट करते हैं y इज इक्वल टू 4 अपॉन 25 इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगी 4 अपॉन 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं बोथ साइड्स पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट 4 अपॉन 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू 4 का रूट 2 होता है, 5 का 25 का रूट 5 होता है, रूट लिया तो ये आ गया प्लस माइनस। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आया इसका, एक वैल्यू हाई प्लस माइनस 2 की, एक वैल्यू हाई प्लस माइनस 2 अपॉन 5 की, ये हमारे पास का आंसर। क्वेश्चन 9 देखते हैं, एक वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और एक वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, यानी ये भी स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है। तो इसमें हमारे पास y के बराबर हम एक वैल्यू सपोज कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, तो ऑटोमेटिकली y स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन ए में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, इसमें हम फैक्टराइजेशन परफॉर्म कर देते हैं। फैक्टराइजेशन परफॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 6y प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो इसमें से हमारे इन दोनों वैल्यू में से हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, 3y, बस क्या बचा y प्लस 2, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं प्लस का 1, हमारे पास क्या बचेगा y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों y प्लस 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 3y और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जब भी दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हों ब्रैकेट में और बराबर हों 0 के, तो हम इसको लिखते हैं आइदर y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 2, ये हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3। ठीक हो गया, इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, एक दफा हम y माइनस 2 पुट करते हैं, इक्वेशन 1 हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, इसको हम पुट करते हैं y की वैल्यू माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये माइनस 2 इधर आके प्लस 2 में हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, यहाँ पे हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू माइनस बी
plus minus b square minus 4ac divided by 2a। ठीक है, यहाँ पे a जो है हमारे पास 1 के बराबर है, b जो है माइनस 3 के बराबर है, c जो है 3 के बराबर है। ठीक हो गया, अब इस वैल्यू को हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 1 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक हो गया, तो ये x बराबर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर होता है 9 और माइनस ये इवन पावर है तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा। इसी तरह से 4 1 4 4 3 12 माइनस का 12 डिवीजन में आ जाएगा 2। तो एक x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 प्लस माइनस रूट 9 माइनस 12 होता है माइनस 3, लेकिन हम यहाँ सिर्फ लिखेंगे 3 और 2, और माइनस की वजह से हम बाहर लिख देंगे आयोटा, क्योंकि आयोटा जो आयोटा बराबर होता है माइनस 1 के। तो ये एक एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरह से हम वाई की दूसरी वैल्यू रखेंगे, यानी कि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, या हम y रखते हैं माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ये माइनस 3 यहाँ डिवीजन में है, या इस पूरी वैल्यू के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 1 यहाँ आके प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू, इधर इसमें भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो यहाँ हमारे पास a बराबर है 3 के और b बराबर है माइनस 9 के, c बराबर है 4 के। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस 9 प्लस माइनस रूट माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 4 3 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 3। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस माइनस, और 9 का स्क्वायर होता है 81 माइनस 4 इंटू 3, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 ये हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 2 3 ज़ा 6। तो ये x इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस 81 में से 48 माइनस करें तो ये आता है 33 और ये 6। तो इस तरह हमारे पास x की ये दो वैल्यूज आ गई। ठीक हो गया, और इनको हम इन दोनों वैल्यूज़ को हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।